हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर नंबर 4 है उसका पार्ट 2 बीसीके, ठीक है जी, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, उसका चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, मदद करती हैं, तो उसका एक मैंने चार्ट बनाया है। ये है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन और ये है फंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये है पहले, इसमें जो नॉन फाइनेंसिंग में है वो आरबीआई, सेबी, सीसीआई और आईआरडीएआई, और उसके बाद ये फंडिंग इंस्टीट्यूशन में नबार्ड है। नबार्ड गाइस, आप जूनियर क्लासेस में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ के आए हो, प्लस टू में आपने इसके बारे में भी पढ़ा था, सेबी के बारे में भी पढ़ा था, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये, फिर ऑक्सिलरी और एड्स टू ट्रेड और पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो इसके बीच में सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, उसका उससे बड़ी क्या चीज़ है ऑक्सिलरी या एड्स टू ट्रेड, और उसके बाद क्या है फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स हेल्प द बिजनेस इन सेवरल वेज। अ फ्रेट प्रोवाइडर, अ कंपनी हु ऑर्गेनाइजेज शिपमेंट फॉर द बिजनेस फर्म टू फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। दूसरा, अ बिजनेस इनकम्बेटर हेल्प्स क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज। और उसके बाद बिजनेस एक्सेलेटर्स कौन है, हेल्प टू बिल्डिंग बिजनेस क्विकली, लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड पुट इट इन द बेस्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। और उसके बाद फाइनेंशियल कंसल्टेंट हु एडवाइजेज बिजनेस ऑन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे, अ मर्चेंडाइजर हु हेल्प्स द बिजनेस, फॉर example, अ फैशन हाउस obtain its supplies, fabric, accessories, etc. The term business facilitator is formally defined in the financial sector as intermediaries performing a host of functions linking the bank financial institutions and their potential clients. Government as a business facilitator, the NEP of 1991, which is better known as LPG, is regarded as the watershed development in the business facilitation in India. The government facilitates business not only via formulating business friendly policies but also by creating an institutional operation apparatus for the implementation of these policies. Aur guys, aage hai non funding institution for business organizations, facilitation in India aur Indian regulatory bodies. तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आरबीआई की। गाइस, एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1935, ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 में रजिस्टर्ड हुआ था, ये नेशनलाइज हुआ था। आरबीआई इज फुली ओन्ड एंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रोल ऑफ आरबीआई क्या है, इट इज एन अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। It is responsible for the maintenance of economic stability and assisting the growth of the economy. It is India's eminent public financial institution. It also acts as friend, philosopher, guide to commercial banks. It keeps inflation under control. It has also to protect the market for government securities. Functions of RBI. सबसे पहला क्या है, issue of currency, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रमोशनल फंक्शन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। और उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ आरबीआई इन बिजनेस फैसिलिटेशन, करेंसी पॉलिसी बनाना। द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। Adequate money policy is critical for the functioning of the economy. It also oversees availability of foreign exchange. और credit policy भी बनाते हैं ये।
RBI doesn't fund the business or for that matter any activity. However, its policies have a major impact on channelization of banking resources for business generally as well as specifically for certain sectors. Development of financial system. Finance is said to be the lifeblood of business, and a well-developed financial system is regarded as important for economic development. उसके बाद फोर्थ है फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म. मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. द सेबी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th अप्रैल 1988 एंड गिव्स स्टैचुरी पावर इन 1992 विद सेबी एक्ट 1992 बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट. द सेबी एक्ट जिसको हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं 1992 हैज कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑन 30th January 1992. सेबी इज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट. कंट्रोलर ऑफ पब्लिक इश्यूज हैज बीन repeated by the SEBI, an authority under Capital Issue Act 1947. SEBI is managed by a chairman, two members from the officials of the Ministry of Central Government, one member from the official of RBI, and five other members, out of which at least three members shall be whole-time directors. उसके बाद है हम बात करेंगे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी. सेबी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ थ्री ग्रुप्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट. एक तो इश्यूअर्स की, मतलब जो कंपनीज होती हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स की, फिर द मार्केट इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स के लिए. सो सेबी हैज़ थ्री फंक्शंस आल्सो टू परफॉर्म. पहला है क्वासी लेजिस्लेटिव. सेबी ड्राफ्ट रेगुलेशन इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी. क्वासी जुडिशियल. सेबी पासिस रूलिंग एंड ऑर्डर इट्स इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी. क्वासी एग्जीक्यूटिव. सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस एंड इन्फोर्समेंट एक्शन इन एग्जीक्यूशन फंक्शन. और उसके बाद है बेटे पावर्स ऑफ सेबी. पावर्स क्या हैं सेबी की? टू अप्रूव बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बायलॉज, to inspect the book of accounts and call for periodical return from the recognized stock or exchanges. ठीक है जी. और उसके बाद next है to compel certain companies to list their shares in one or more stock exchanges. And SEBI's role in business facilitation. SEBI is responsible for the development of India's capital market, that is market for the corporate issues of capital. It coordinates with the market developers and regulates abroad. It is responsible for the investors' faith in the functioning of the capital markets and thus assures the corporates to steady flow of the funds. और उसके बाद Competition Commission of India क्या चीज़ है? It was set up to create and sustain fair competition in the economy that will provide a level playing field to producers and make the market work for welfare of consumers. Competition may be either direct, indirect, as discussed below. Direct competition, products performing the same function compete against each other, for example Pepsi and Coke. Or indirect competition kya hai? Products that are close substitute for one another, that is फॉर एग्जाम्पल लोकल रेस्टोरेंट्स. हाँ जी, आगे है देयर शुड बी फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स. पहला क्या है? इट इंकरेजेस इनोवेशन, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पनिशेस द लैगर्ड्स, बूस्ट चॉइस, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स. और ये जो कंपटीशन एक्ट है वो है एक्ट 2002. इट इज द टूल टू इम्प्लीमेंट and enforce competition policy and to prevent and punish anti-competitive business practices by firm and unnecessary government interference in the market.
फीचर्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है? दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट द पॉलिसीज एंड हैविंग एप्लीकेबल एडवर्स अफेक्ट ऑन द कंपटीशन, कंपटीशन पे जो अफेक्ट डालती हैं, रिवर्स इफेक्ट या गलत इफेक्ट डालती हैं उसको रोकना, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद द इन्फोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, द MRPT एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP है, मैंने PT पहले लिख दिया, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट हैज बीन डिसॉल्व, ये खत्म हो गया। उसके बाद रोल ऑफ CCI क्या है? मेक्स द मार्केट वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, इंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तीसरा पॉइंट है इंप्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज विद एन एम टू इफेक्चुएट द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। उसके बाद है डेवलप एंड नर्चर इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शंस विद सेक्टरल रेगुलेशंस टू इंश्योर ग्रोथ अलाइनमेंट ऑफ सेक्टरल रेगुलेटरी लॉज, इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी एंड स्प्रेड द फॉर्मेशन ऑफ बेनिफिट्स कंपटीशन अमंग ऑल शेयर होल्डर्स टू एस्टैब्लिश एंड नर्चर कंपटीशन कल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो अब हम बात करेंगे आगे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज एन एपेक्स स्टैचुरी बॉडी विच रेगुलेट्स एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर IRDA 1999 एंड ड्यूली पास्ड बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट। मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ एंड सिक्योर देयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स, टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, टू सेट प्रमोट मॉनिटर एंड इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी फाइनेंशियल साउंडनेस फॉर डीलिंग एंड कंपिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स, टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, टू प्रमोट फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो उसके बाद फाइनेंशियल डीलिंग विद द इंश्योरेंस, टू टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट एंड इनइफेक्टिवली इन्फोर्स्ड, टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री कंसिस्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी क्या हैं? इशू टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेज एंड लॉस असेसर, प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है जी, तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।